कोरोना टीकाकरण का जगतरा सबसू ठाडा अभियान की करी शुरुआत कयो। सबसू पहली स्वास्थ्य सेवका ने कोरोना रो टीको लगार समाज चुकार्यो है आपरो कर्जो। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश में कोरोना टीकाकरण अभियान की वर्चुअल तरीका से करी शुरुआत। प्रदेश में 167 और जयपुर में 21 केन्द्र माथे करो जा रो है टीकाकरण। जयपुरा एसएमएस सफाखाना सेती सगड़ा 21 सेंटर माथे शुरू हुयो कोरोना वैक्सीकरण रो टीकाकरण। एसएमएस मेडिकल कॉलेज रा प्राचार्य ने लगाई जो पहलो टीको। संभाग और जिला दर्जा माथे भी कोरोना से बचाव खातर टीकाकरण की भी शुरुआत। जिला और चिकित्सा प्रशासन की देखरेख में लगाया जा रहा है टीका। प्रदेश में कम वेरियो है कोरोना रो संक्रमण। लाड़ला 24 घंटा रे दौरान प्रदेश में मिलिया 310 नवा मरीज। काले दूजी मर्तबा कोरोना से नी भी किणी मौत। नमस्कार, प्रादेशिक खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधाकर सोनी। अरबे खबरा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोरोना रा टीकाकरण रो जगत रो सबसू ठाडो अभियान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग री मार्फत शुरू कर्या। इन मौके वणा कयो के डॉक्टर सेती सगला कोरोना वॉरियर्स मानवता ने लेर संकट री घड़ी माए आपरो फर्ज निभायो। ये लोग दूजा लोगारी जिंदगी बचावा माए आपरा प्राण कुर्बान कर दिया। वणा कयो के लोगारी जिंदगी बचावन वाला इन स्वास्थ्य सेवकारे कोरोना रो टीको लगार समाज आपरो कर्जो चुकारियो है। आज के दिन का पूरे देश को बेसब्री से इंतजार रहा है। कितने महीनों से देश के हर घर में बच्चे बूढ़े जवान सभी की जुबान पर यही सवाल था कि कोरोना की वैक्सीन कब आएगी। तो अब कोरोना की वैक्सीन आ गई है, बहुत कम समय में आ गई है। वैक्सीन रिसर्च से जुड़े अनेकों लोग विशेष रूप से प्रशंसा के हकदार हैं, जो बीते कई महीनों से कोरोना के खिलाफ वैक्सीन बनाने में जुटे थे, दिन रात जुटे थे। न उन्होंने त्योहार देखा है, न उन्होंने दिन देखा है, न उन्होंने रात देखी है। आम तौर पर एक वैक्सीन बनाने में बरसों लग जाते हैं, लेकिन इतने कम समय में एक नहीं दो दो मेड इन इंडिया वैक्सीन तैयार हुई है। इतना ही नहीं, कई और वैक्सीन पर भी काम तेज गति से चल रहा है। ये भारत के सामर्थ्य, भारत की वैज्ञानिक दक्षता, भारत के टैलेंट का जीता जागता सबूत है। चाहे वो सरकारी अस्पताल में हो या फिर प्राइवेट, सभी को ये वैक्सीन प्राथमिकता पर लगेगी। इसके बाद उन लोगों को टीका लगाया जाएगा जिन पर जरूरी सेवाओं और देश की रक्षा या कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है, जैसे हमारे सुरक्षा बल हो गए, पुलिसकर्मी हो गए, फायर ब्रिगेड के लोग हो गए, सफाई कर्मचारी हो गए। इन सभी को ये वैक्सीन प्राथमिकता पर लगेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश में कोरोना टीकाकरण अभियान रो वर्चुअल तरीका से शुभारंभ करया। इस मौके वरिष्ठ प्रोफेसर पीसी डांडिया ने कोविड-19 से बचाव रो टीको लगाई जो। मुख्यमंत्री आपरा विचार जताता थका कयो कि राजस्थान में सरकार कोरोना महामारी पर कड़ाई से काबू करो, इस वास्ते ही प्रदेश में कोरोना से मौत री दर 1% से भी कम रही।
बेसब्री से इस दिन का इंतजार था। आखिर में वैक्सीन आई गई और राजस्थान बहुत अच्छे ढंग से लॉन्च हुई है। 167 बूथ पे एक साथ में वैक्सीनेशन होगा। अभी आपने देखा बहुत उत्साह था। प्रिंसिपल SMH कॉलेज, उन्होंने खुद ने वैक्सीन लगवाई। 93 ओल्ड रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर डंडिया जी ने वैक्सीन लगाई। पूरे प्रदेश भर में हमने बातचीत करी, बहुत ही उत्साह है लोगों के अंदर। मैं समझता हूँ कि एक तरफ तो हमारे यहाँ जीरो हो गई है मृत्यु दर कल ही, और आज वैक्सीन आई है, एक शुद्ध संयोग है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरे राजस्थान के अंदर एक माहौल बनेगा, जिस प्रकार हमने कोरोना का मुकाबला किया शानदार तरीके से, उसी ढंग से वैक्सीन का काम भी पूरा बहुत अच्छे ढंग से पूरा होगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। मैं उसको देखता हूँ हिंदुस्तान ने और देशों के मुकाबले में इसको कंट्रोल करने के लिए अपने लिमिटेड रिसोर्सेज होते हुए भी बहुत अच्छा काम किया है, और दूसरे देशों को यहाँ से सबक लेना चाहिए कि हम भी कर सकते हैं और करना चाहें तो। और एप्लीकेशन थी पहले बहुत कम थी, आज बहुत बढ़ गई हैं, और सब लोगों को इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। जयपुर जिला में 21 केन्द्र माथे पहला चरण में चुनिजा स्वास्थ्यकर्मियों ने कोविड 19 से बचावरा टीका लगाया जा रहा है। 8 राजकीय जयपुरिया सफाखाना में स्वास्थ्य सेवकारे टीका लगाया जा रहा है। टीकाकरण प्रक्रिया रे 12 माह पूरी जानकारी ली हमारा खबरनवीस अलीमुद्दीन। पूरे देश को इंतजार था, यानी कोविड टीकाकरण उसकी शुरुआत हो चुकी है। अभी हम टीकाकरण सेंटर पे हैं और आइए पूरी प्रक्रिया को जानते हैं किस तरह से ये प्रक्रिया पूरी की जा रही है। सबसे पहले ये रजिस्ट्रेशन का जो भेजा गया सबको, और ये रजिस्ट्रेशन यहाँ आकर के करवाना है उन्हें, और यहाँ से रजिस्टर होकर के फिर आगे जो वेटिंग एरिया है, 3 स्लॉट जो बनाए गए हैं ये वेटिंग एरिया है। वेटिंग एरिया में ये लोग अभी बैठे हुए हैं अपने टीकाकरण के इंतज़ार में, और इसके बाद अब जो टीका लगाया जा रहा है वो कक्ष हम आपके दिखाते हैं। ये टीकाकरण यहाँ पर हो रहा है और यहाँ पर टीका लगाया जा रहा है। टीकाकरण की जो शुरुआत हुई है, सबसे पहले जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको ये टीका दिया जा रहा है। तो आज सबसे पहले जो वैक्सीनेशन का काम शुरू हुआ है, ये टीकाकरण की दूसरी प्रक्रिया यानी दूसरा चरण का काम यहाँ किया जा रहा है, और ये टीका लग रहा है इन्हें वैक्सीनेशन का। ये हेल्थ वर्कर्स को दिया जा रहा टीका, और ये टीका लगने की प्रक्रिया आप देख लीजिए। जी मैम, ये बताइए कितना ml डोज दिया गया है? ये 0.5 ml डोज दिया गया है जी। और एक वायल में 20 डोज है, ये 10 डोज आएंगे जी। और ये 10 डोज की वायल है, मल्टी डोज वायल है। काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे हैं जी। हेल्थ वर्कर्स ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है जी। तो उनकी टीका लगना चाहिए ताकि वो उनको कॉन्फिडेंस आए और वो आगे मतलब और अच्छी सेवाएँ दे सकें। इसके बाद ये प्रक्रिया कुछ देर के लिए जो जिनको टीका लगाया गया है उनको यहाँ थोड़ा आराम के लिए यहाँ रखा जा रहा है, और फिर इसके बाद जो तीसरी प्रक्रिया है हम आपको लिए चलते हैं उधर। टीकाकरण के लिए एक निगरानी कक्ष ये रखा गया है यहाँ पर। मैम को टीका लग गया है और ये अभी निगरानी कक्ष में है। मायसेल्फ डॉक्टर रेखा सिंह, MS ऑफ दिस हॉस्पिटल, जयपुरिया हॉस्पिटल। और मैंने अपने आप को वॉलंटियर करा था सबसे पहले इंजेक्शन लगाने के लिए, एंड आई एम फीलिंग वेरी प्राउड। एंड 10-15 मिनट्स हो गए, परफेक्टली नॉर्मल, नथिंग अबनॉर्मल। हाँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मैं 10-15 मिनट हो चुकी है मेरे को टीका लगे हुए। मैं यहाँ का नोडल ऑफिसर हूँ, डॉक्टर जनार्दन शर्मा, प्रिंसिपल स्पेशलिस्ट पीडियाट्रिक्स। और ये टीका बिल्कुल सेफ है, किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। नॉर्मल टीके जैसे लगते हैं वैसे ये टीका लगता है। तो एक तरह से कोविड पे यानी कि जो महामारी है उस पे जीत की ओर अग्रसर हो रहे हैं, और आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूरदर्शन समाचारों के लिए जयपुर से मैं अलीमुद्दीन। मुख्यमंत्री कानीसू टीकाकरण की वर्चुअल शुरुआत पछे सवाई मानसिंह सफाखाना में SMS मेडिकल कॉलेज रा प्राचार्य डॉक्टर सुधीर भंडारी ने पहलो टीको लगाई जो। इरे साथ ही SMS कॉलेज से जुड़िया सफाखाना में भी टीकाकरण की शुरुआत हुई। महिला चिकित्सालय में पहलो टीको अधीक्षक डॉक्टर आशा वर्मा ने लगाई जो। सक्सेस प्राप्त किया है
जयपुर के अंदर हमारे जो प्रोटोकॉल्स है, जो हमारे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स है, जो हमारी एफर्ट्स है, वो इंडिया और वर्ल्ड ओवर रिकॉग्नाइज हुई है। हमने काफ़ी कोविड पेशेंट्स को मैनेज करने में सफलता प्राप्त की है। आज पहला वैक्सीन लगा के मुझे बहुत गौरवान्वित महसूस हो रहा है। फिजिकल लेवल पे मुझे किसी तरह की कोई फीलिंग नहीं हुई, वो उसी तरह का वैक्सीन है जिस तरह नॉर्मल फ्लू वैक्सीन लगता है। बट वैक्सीन लगाने के बाद उनका सेंस ऑफ गुड फीलिंग है, हैप्पीनेस है, और एक आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव वाइब्स। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और अच्छा फील भी हो रहा है। मैं चाहती थी कि मैं पहले लगवाऊँ जिससे कि मेरा स्टाफ ये एक मुझे देखे और उससे उनको लगाने का उत्साह और बढ़े। बिल्कुल भी परेशानी नहीं हो रही, मुझे कुछ महसूस भी नहीं हुआ टीका लगते हुए। मैं डॉक्टर शालिनी राठौर नोडल ऑफिसर हूँ यहाँ पर कोविड की, और आज यहाँ पर टीकाकरण स्टार्ट हो गया है कोविड के अगेंस्ट। और पहला टीका हमारे सुप्रिटेंडेंट को लगाया गया डॉक्टर आशा वर्मा को, और पूरा स्टाफ बहुत उत्साहित है। मैंने भी टीका लगवाया है आज, कोई असुविधा महसूस नहीं हुई है, सभी लोग उत्साहित हैं। मुझे भी नहीं हुई, मेरे स्टाफ को भी किसी को भी कोई असुविधा महसूस नहीं हुई है। उदयपुरा महाराणा भूपाल सफाखाना माए सीएमएचओ डॉक्टर दिनेश खराड़ी ने पहलो टीको लगाई, जो जिला कलेक्टर चेतन देवड़ा और चिकित्सा अधिकारी देखरेख माए संभाग मुख्यालय से ती नौ केंद्रा माथे टीका लगाया जा रहा है। उसमें जो मेडिकल स्टाफ है उनका टीकाकरण चालू हुआ है, बाकी साइड से भी, क्योंकि निर्देश ये है कि पहले मेडिकल स्टाफ का टीकाकरण होना है, उन्हीं लोगों के अपलोड किए गए नाम और उनका टीकाकरण का काम होगा। इस घड़ी का पूरे देश राज्यों को इंतजार था और हमें बड़ी खुशी है कि हम आज से वैक्सीनेशन आगाज कर रहे हैं, और उदयपुर जिले में सबसे पहले टीका मैं लगा रहा हूँ ताकि मेरी पूरी टीम में जोश बरकरार रहे और आमजन में भी विश्वास हो कि टीका सुरक्षित है और इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है। चूरू जिला में भी कोविड 19 टीकाकरण रो पहलो चरण शुरू हुयो। अठे पीएमओ डॉक्टर एफ एच गोरी और दूजा डॉक्टर और फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स ने टीका लगाई जा। जिला अस्पताल चूरू में जो प्रथम इसके बेनिफिशरी हैं, हमारे मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज शर्मा हैं, और जो यहाँ के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी है डॉक्टर गोरी साहब है, इन्होंने जो है इसका बेनिफिशरी ग्रुप में आज टीकाकरण करवाया। मैं जिले की जनता से अपील करूँगा कि ये कोरोना वैक्सीन है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसलिए किसी भी तरह की कोई भ्रांति या अफवाह नहीं हो। तो हमारे जो जिले के चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के मुखिया हैं, यहाँ पर जिला चिकित्सालय के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी हैं, उन्होंने पहले टीकाकरण यह कह के करवाया है कि हम आम जनता को संदेश देना चाहते हैं कि कोरोना से किसी तरह डरे नहीं, ये वैक्सीन है, प्रभावी है, कारगर है, और इसमें किसी तरह कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जिस प्रकार हमने कोरोना के युद्ध को जीतने में सफलता प्राप्त की थी, वैक्सीनेशन में भी उसी प्रकार की सफलता हमें मिले और 100% वैक्सीनेशन के लक्ष्य को हम समय पर प्राप्त कर सकें, तो ही हमारी ये जो अभियान की सफलता है उसमें चूरू का नाम ऊपर आएगा। पेनलेस टीका है, ना किसी प्रकार के दर्द का एहसास होता है, और आप देख रहे हैं कि मैं उधर रूम में आराम से बैठा हूँ, किसी प्रकार का कोई भी साइड इफेक्ट इसका इसके संदर्भ में कोटा में छह जगह माथे कोरोना रा टीका लगाया जा रहा है। कोटा मेडिकल कॉलेज रा प्राचार्य डॉक्टर विजय सरदाना ने पहलो टीको लगाई, जो इरे साथ ही स्वास्थ्य सेवकारे टीका लगाबारो अभियान शुरू हुयो। बहुत एक ये इम्पॉर्टेंट दिन है, मैंने सौभाग्यशाली हूँ कि सबसे पहला टीका मैंने रिसीव किया है यहाँ पे, और वो भी हमारे देश में बना हुआ टीका। इससे मैं अपने आप को और भी ज़्यादा सौभाग्यशाली समझता हूँ, और लोगों को ये कहना चाहता हूँ दो चीज़ें,
कि एक तो इससे घबराने की डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी टीका अप्रूव तभी होता है जब उसकी एफिकेसी अच्छी हो, और हमारे इंडिजिनस टीकों की एफिकेसी बहुत अच्छी है, उनका परसेंटेज बहुत अच्छा है। और दूसरा, टीका लगाने के बाद भी जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको आप अपनाए रखें, उसको जारी रखें। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ कि इस महामारी के अंत की प्रारंभ है ये। इसमें डॉक्टर विजय सरदाना जो हमारे प्रिंसिपल साहब हैं उनको पहला टीका लगाया गया, वो मेरे द्वारा लगाया गया, तो मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। भीलवाड़ा में कोविड 19 टीकाकरण 6 ठोरा माथे करियो जा रियो है। जिला कलेक्टर शिव प्रसाद एम नकाते बतायो कि पहला चरण में कोई 600 स्वास्थ्य कर्मचारियों रे यो टीको लगायो जावेला। सफाई कर्मचारी जो अस्पताल में काम कर रहे हैं, लैब टेक्नीशियन, सभी कैटेगरीज के हमारे हेल्थ वर्कर्स को अभी टीका लगाया गया है, और टीका लगाने के बाद उनको 30 मिनट के लिए ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। अभी तक किसी को किसी प्रकार की कोई तकलीफ सामने नहीं आई। झुंझुनू जिला में आए भगवान दास खेतान सफाखाना से 4 केन्द्र पर कोरोना टीका लगावन की शुरुआत हुई। सीएमएचओ डॉक्टर छोटेलाल गुर्जर बतायो कि पहला चरण में 354 चिकित्सा कर्मचारियों रे टीका लगाया जावेला। कोरोना वायरस के खिलाफ अभियान के रूप में, एक हथियार के रूप में आया है, और बहुत अच्छी वैक्सीन है। 4-5 लोगों ने यहाँ लगाया है, किसी को कोई दर्द नहीं हुआ है। और चित्तौड़गढ़ में जिला कलेक्टर के शर्मा की देखरेख में कोविड 19 टीकाकरण की शुरुआत हुई। अठे सीएमएचओ डॉक्टर रामकेश गुर्जर ने पहलो टीको लगाई, जो जिला कलेक्टर बतायो कि सगड़ा बंदोबस्त कोरोना गाइडलाइन के मुजब करी जा है। दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन कार्यक्रम का माननीय प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय स्तर पर उसका शुभारंभ किया है। इसी कड़ी में राजस्थान में भी इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री जी के शुभारंभ के पश्चात हो चुका है। हमारे जिले में बूंदी जिला में कलेक्टर आशीष गुप्ता और सीएमएचओ डॉक्टर महेंद्र त्रिवेदी की देखरेख में जिला सफाखाना में टीकाकरण अभियान शुरू हुयो। अठे पहलो टीको एनेस्थेसिया विभाग रा डॉक्टर ने लगाई जो। इरे साथ ही चुनीजा डॉक्टरा और दूजा स्वास्थ्य कर्मचारियों रे भी टीको लगायो जा रियो है। बहुत ही हर्ष का विषय है कि बूंदी जिले में हमने आज ये टीकाकरण अभियान प्रारंभ कर दिया है, और आज पहला टीका डॉक्टर अनिल गुप्ता ने आगे होकर के स्वयं लगवाया है। पूरे जिले में हमको 9,620 डोजेज प्राप्त हुई हैं, और आज हम बूंदी जिले में सीएससी तालेड़ा, सीएससी हिंडोली और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बूंदी, इस जगह सभी जगह 100-100 12 जिला सफाखाना रा आयुर्वेद भवन में प्रधानमंत्री रा भाषण पाछे कोरोना टीकाकरण की शुरुआत हुई। 12 जिला सफाखाना रे इतर केलवाड़ा और छबड़ा में भी टीका लगाई जा। से हमने 3 जगह पे वैक्सीनेशन शुरू कर दिया गया है, जिसमें जिला चिकित्सालय 12, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र केलवाड़ा, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र छबड़ा में, और 100-100 बेनिफिशियरी का हमने टारगेट रखा है। 1x1 बेनिफिशियरी आ रहे हैं, जिनका फिजिकली वेरिफिकेशन कोविन सॉफ्टवेयर पर करके नेक्स्ट स्टेप के द्वारा उनका वैक्सीनेशन किया जा रहा है। साथ में ऑब्जर्वेशन रूप में 30 मिनट बिठाने के लिए उनकी व्यवस्थाएं। जैसलमेर में आए जवाहर सफाखाना में कोविड 19 टीकाकरण की शुरुआत हुई। जिला कलेक्टर आशीष सुधीर की देखरेख में टीका लगाई जा। इस मौके पहलो टीको सफाखाना रा मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जे आर पवार ने लगाई जो। इसके साथ ही दूजा डॉक्टर और कर्मचारियों रो भी टीकाकरण करो जा रियो है। पूरे देश में सभी जगह 2 तरह की वैक्सीन है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, ये लगाई जा रही है। जैसलमेर को कोविशील्ड वैक्सीन प्रदान की गई है, और यहाँ पर जितने भी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको फर्स्ट प्रायोरिटी पर वैक्सीन लगाई जा रही है। तो अभी माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रोग्राम लॉन्च करने के बाद हमने यहाँ पर वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू किया है। भरतपुर जिला में मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर कप्तान सिंह ने पहलो टीको लगाई जो। वणा बतायो कि जिला में 4 जगह पर टीकाकरण करो जा रियो है। इन जगह पर चिकित्सा महकमा कानीसु देईजी गाइडलाइन के मुजब स्वास्थ्य सेवका ने टीका लगाया जा रहा है।
झालावाड़ जिला में भी चार ठोरापरा कोरोना वैक्सीनरी पहली डोज चिकित्सा महकमा सु जुड़िया कोरोना वॉरियर्स ने लगाई जा रही है। झालावाड़ मेडिकल कॉलेज में सांख्यिकी एहकार योगेश अवस्थी ने पहलो टीको लगाई जो। जिला कलेक्टर हरिमोहन मीणा बताया कि हर सेंटर माथे एक दिन में 100 स्वास्थ्य सेवका ने टीका लगाया जावेला। सरकार के निर्देशों के अनुरूप पूरे जिले में 4 सेशन साइट पे टीकाकरण शुरू हो गया है। यहाँ प्रतिदिन 400 यानी कि प्रत्येक साइट पे 100-100 का वैक्सीनेशन होगा और आगामी कुछ ही दिनों में इन साइटों को बढ़ाया जाएगा। हनुमानगढ़ जिला में कोविड-19 टीकाकरण की शुरुआत में 103 स्वास्थ्य कर्मचारियों ने टीका लगाई जा। जिला कलेक्टर की देखरेख में जिला में 5 जगह पर टीकाकरण भी हो। RCHO डॉक्टर विक्रम भाटी बतायो का टीकाकरण प्रक्रिया पूरी तरह संतोष जोगी रही। टीकाकरण का हमने कक्ष बनाया है, उसका निरीक्षण करने के लिए भी आए हैं। अभी हम यहाँ पे जो वेटिंग रूम है उसमें खड़े हैं और आप जैसा कि आप देख रहे हैं 3 लोग यहाँ इंतजार में हैं। इसके अलावा अंदर की सारी व्यवस्थाएं देखी हैं और काफ़ी बढ़िया हैं और यहाँ पे करीब अभी 32-33 लोगों को टीका लग चुका है जिसमें CMO। प्रतापगढ़ जिला में टाबरारी बीमारी का डॉक्टर धीरज सेन से 5 डॉक्टर ने टीका लगावन के साथ ही इन अभियान की शुरुआत हुई। जिला कलेक्टर अनुपमा जोरवाल बतायो कि जिला में 3 सेशन सेंटर बनाई जाए जठे हर सेंटर पर 100 स्वास्थ्य कर्मियों ने टीका लगेला। प्रदेश में कोरोना संक्रमण अब खत्म होवतो नजर आ रही है। चिकित्सा और स्वास्थ्य महकमा से मिले आंकड़े मुजब लाड़ला 24 घंटे दौरान प्रदेश में 310 नवा मरीज मिलया है। वठे शुक्रवार ने कोई 8 महीना पाछे एड़ो दूजो दिन रियो जदे कोरोना से किणी भी मरीज री मौत नहीं हुई। अब प्रदेश में 5608 एक्टिव मामला है। काले सबसे बेसी 56 नवा मामला जयपुर जिला में सामने आया। जोधपुर में 42, कोटा में 41, भीलवाड़ा में 27, नागौर में 21 मरीज मिलया। सेंट जेवियर कॉलेज जयपुर में नोवा शैक्षणिक उत्सव सिनर्जी 21 री आज शुरुआत हुई। कार्यक्रम की शुरुआत वोकल फॉर लोकल विषय माथे राखी जा कॉन्क्लेव हुई। इ मौके खास पावणा रे तौर पर हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय रा कुलपति ओम थान भी मौजूद रिया। आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी इज टॉकिंग अबाउट वोकल फॉर लोकल, देयरफॉर Our college is organizing this program, Synergy. ये बहुत ही अनूठा आयोजन है इस मायने में कि लोकल की बात बहुत होती है लेकिन वो राजनीति में अधिक होती है। अगर शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक और विद्यार्थी और जितने बड़े पैमाने पे ये आयोजन हुआ है, जैसा अभी फादर एक्स ने मुझको बताया कि कितने संस्थान यहाँ पे हिस्सा ले रहे हैं, तो वो अगर इस विषय के ऊपर खुल करके चर्चा करते हैं कि सही मायने में हम किस तरह का समाज बना रहे हैं और उस समाज रवे मौसम रो हाल। प्रदेश रे घनकरी जगह पर आ जाड़ा रो असर बनेड़ो है। कई ठोरा माथे कोहरा सु रेल और सड़क यातायात पर असर वेरियो है। जाड़ा सु बचाव खातर लोग अड़ाव रो सहारो ले रिया है। मौसम महकमो आवन वाला कुछ एक दिना में शीतलहर चालवा और तेज जाड़ो पड़वा रा आसार जताया है। आओ अब बात करा अपनी और अपना री हिफाजत री। कोविड-19 से बचाव वास्ते DD न्यूज का निशु एक खास अभियान चलाया जा रहा है, मास्क अप इंडिया। आओ जाना कि तरिया सुरक्षा वास्ते जरूरी है मास्क। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क
या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज। डीडी राजस्थान माथे प्रसारित सगळा समाचार और समसामयिक विषय पर आ चर्चा आप हमारा यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज राजस्थान पर आ देख सको हो और ताजा खबर वास्ते हमारा ट्विटर हैंडल @DDNewsRajasthan ने भी फॉलो कर सको हो। और बुलेटिन रे आखिर में एक खास खबर एक फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना टीकाकरण रा जगतरा सबसू ठाडा अभियान री करी शुरुआत। कयो सबसू पहली स्वास्थ्य सेविका ने कोरोना रो टीको लगार समाज चुकारियो है आप लोग करजो। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश में कोरोना टीकाकरण अभियान री वर्चुअल तरीका सु करी शुरुआत। प्रदेश में 167 और जयपुर में 21 केन्द्र माथे करियो जा रियो है टीकाकरण। जयपुरा एसएमएस सफाखाना से सगड़ा 21 सेंटरा माथे शुरू हुयो कोरोना वैक्सीन रो टीकाकरण। एसएमएस मेडिकल कॉलेज रा प्राचार्य ने लगाई जो पहलो टीको। संभाग और जिला दर्जा माथे भी कोरोना सु बचाव खातर टीकाकरण री भी शुरुआत। जिला चिकित्सा प्रशासन री देखरेख माए लगाया जा रहा है टीका। प्रदेश में कम भेरियो है कोरोना रो संक्रमण। लाडला 24 घंटा रे दौरान प्रदेश में मिलिया 310 नवा मरीज। काले दूजी मर्तबा कोरोना सु नी भी किणी भी लोगारी मौत। साथ ही प्रादेशिक खबरों बुलेटिन पूरो व्यो। नमस्कार।